नाचन के गांव छातर में विवाहिता द्वारा पहले अपनी 2.5 वर्षीय बेटी को फंदा लगाने के बाद खुद फंदे से झूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर डीएसपी ने घटना का जायजा लिया और मौके के हालातों को देखते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाया है। पुलिस टीम ने मृतका के परिवार के सदस्यों से प्राथमिक जांच अमल में भी लाई है। इस तरह से विवाहिता द्वारा अपनी बेटी और खुद को फंदा लगाने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। थाना सुंदरनगर के अंतर्गत छात्र पंचायत से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक 22 वर्षीय लेडी ने और उसकी 2.5 साल की बच्ची का फांसी का मामला हमारे प्रकाश में आया था, पुलिस के संज्ञान में आया था, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां का स्पॉट का इंस्पेक्शन किया और स्पॉट पर RFSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था, जिन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद दोनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया गया है और उनका पोस्ट नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और उसके बाद अभी मायका पक्ष की तरफ से एक शिकायत पत्र भी पुलिस को दिया गया है, जिसमें पुलिस अभी उसके जो दूसरा पक्ष है उसको तलब किया गया है, उनसे इंटरोगेशन की जाएगी और आगे नियमानुसार कार्रवाई अपने मिला जा रही है। नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के पास एक जो कंप्लेंट मिली है उस पर पुलिस अभी FIR रजिस्टर की गई है और उसके बाद जो वो अभी बाकी जो महिला मायका पक्ष है उनके बाकी लोगों के भी स्टेटमेंट्स दी जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।